सर्दियों के ऐसे मैजिकल लड्डू जो रखेंगे आपको सेहतमंद, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, सबसे खास ताकतवर लड्डू, वो भी बिना चीनी के। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल मम्मीज किचन को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए देख लेते हैं इसके लड्डू कैसे बनाना है। हम यहाँ पर ओरिजिनल मेथी के लड्डू बनाएंगे विद ड्राई फ्रूट के साथ। इस तरह बनाना बताऊंगी कि जरे भी कड़वे नहीं लगेंगे और बहुत सारे ट्रिक के साथ बताऊंगी। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मेथी दाना लिया है। इसे हम बारीक सा ग्राइंड कर लेंगे, मिक्सी जार में डालकर इसे बारीक पाउडर बना लेंगे। और एक कप मैंने चाय का कप या जूस का कप सेट कर ले, दूध उस हिसाब से यूज करें। मैंने 3 बार करके मिक्स करा है। 1 कप दूध लिया है मैंने, देखे अच्छे से मिक्स कर ले। इस तरह से थिक पेस्ट बन जाएगा। इसे हम भीगने के लिए दूध में रखेंगे। दूध डालने से कड़वे नहीं होते हैं। इस तरह मिक्स कर ले। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम ढककर 4 घंटों के लिए छोड़ देंगे। अब चले देख लेते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए हमें। ड्राई फ्रूट्स मैंने सब थोड़े थोड़े लिया है, देखे पिस्ता, बादाम, काजू, आप लोग चाहे तो मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और गोंद यहाँ पर मैंने 50 ग्राम लिया है। और डेसिकेटेड कोकोनट लिया है मैंने। खोपरा आप लोग घर पर भी घस के इस्तेमाल कर सकते हैं। और मखाने यहाँ पर गुड़ लिया है मैंने, बिना चीनी का बनाना बता रही हूँ मैं। और यहाँ पर देसी घी भी ले लेंगे। चले देख लेते हैं, अब बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में पहले सूखा खोपरा हम अच्छे से भून लेंगे, बिना कुछ तेल या घी डाले के इसी तरह हल्का गुलाबी रंग होने तक भून लेंगे। खोपरे को जलाना नहीं है हमें, बस इसी तरह हल्का कलर होने के बाद निकाल देंगे। और इसी के बाद घी डालेंगे हम, 2 से 3 चम्मच घी डाल देंगे। और इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। देखिए इस तरह कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी के अंदर जो घी बचा हुआ है इसी के अंदर मखानों को भी रोस्ट कर लेंगे। 5 मिनट तक इसी तरह भूनने के बाद ये थोड़े से क्रंची हो जाते हैं जब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए मैंने इस तरह चेक कर ली हूँ, अच्छे से मखाने भून गए हैं। अब इसे निकाल लेंगे। फिर वही घी में से हम और घी डाल देंगे, 2 से 3 चम्मच। घी हल्की गर्म ही होनी चाहिए। लो फ्लेम पर इसे थोड़े थोड़े कर डालेंगे और इस तरह मिलाते जाएंगे। ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और जल्द से जल्द फ्राई हो जाएंगे। देखिए अच्छे से फूल गए हैं। ये इसका चटकना बंद होने तक हम इसी तरह भूनते जाएंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए एक साइड में रख देंगे। और सारे ड्राई फ्रूट गोंद सभी ठंडे हो गए हैं। अब एक मिक्सी जार में ड्राई फ्रूट और मखाने को बारीक पीस लेंगे हम। अच्छे से बारीक पीसने के बाद हम इसका पाउडर बना लेंगे। देखिए इस तरह का पाउडर बन गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी के बाद गोंद को भी पीस लेंगे। आप लोग चाहे तो मैशर की मदद से भी कर सकते हैं। देखिए गोंद एक ठंडी हो गई है। अब इसे हम एक छोटे से मिक्सी जार में डालकर बारीक पीस लेंगे। गोंद को बारीक पीसने के बाद हम ड्राई फ्रूट वाला जो पाउडर प्लेट है उसी में डाल देंगे। और यहाँ पर 4 घंटे हो चुके हैं मेथी दाने को भीगने रखने के बाद। देखिए कितनी किस तरह फूली फूली हो गई है। इसी के अंदर अब 2 चम्मच घी डाल देंगे और इसके अंदर फूली हुई मेथी के दाने का पाउडर डाल देंगे। और इसे हम लगातार 15 से 20 मिनट कलर चेंज होने तक इसी तरह दबाते हुए भूनते जाएंगे। कलर चेंज हो जाएगा। मेथी दाना जिस्म में गर्मी बढ़ाता है और एनर्जी बूस्ट करता है। देखे इस तरह कलर चेंज होने के बाद निकाल लेंगे। और दूसरे पैन में मैंने थोड़ा सा घी डालकर 3 से 4 चम्मच बेसन डाल देंगे। ये सीक्रेट ट्रिक है जो मेथी दानों को कड़वी होने ना देती है। इस तरह भून लेंगे हम। इसी के अंदर हम आटा मिलाएंगे, गेहूं का आटा जो हम घर पर रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते है। 4 चम्मच गेहूं का आटा डाल दे, 1/4 कप होता है कप के मेजरमेंट से।
इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे बेसन वाले घोल में ही। देखिए इस तरह से पाउडर बन गया है पूरा। एक जगह होने के बाद हम इसे दबाते हुए अच्छे से भून लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे। और वही कढ़ाई में मैंने यहाँ पर गुड़ डाला है, 50 से 100 ग्राम गुड़ ले ले और इसी के अंदर मैंने एक चम्मच घी डालकर इसे अच्छे से मेल्ट होने तक हम इसी तरह हिलाते जाएंगे। आप लोग इसे ग्रेटेड करके या कट करके ले। अब इसी घोल में सारा मेथी दाना भी डाल देंगे और खोपरा जो हमने भून कर रखा था, सब चीजें एक बड़े से बर्तन में मिला लेंगे। इसी के अंदर इस तरह सा बीच में बनाकर गुड़ का जो मिक्स बनाया था हमने पेस्ट, वो इसमें डाल देंगे पिघला हुआ गुड़, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हाथ से भी हम मिला सकते हैं। और इस तरह से मैंने थोड़े क्रश करे हुए ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल दिया है। मेथी के लड्डू बनकर रेडी हो जाएंगे। बस हल्का सा ठंडा होने के बाद हम लड्डू तैयार कर लेंगे। इसी तरह सारे लड्डू मैंने तैयार कर लिया है। बहुत ज्यादा हेल्थी, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन, हर चीज भरपूर होती है मेथी दाने में। आप लोग ये जरूर बनाकर देखें, सर्दियों में तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बस सारे लड्डू तैयार कर लिया है मैंने। उम्मीद है आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। जरूर बनाकर देखें। ऐसे ही इजी और हेल्थी टेस्टी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल मम्मीज किचन को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस तरह बनाकर जरूर देखें कितने सॉफ्ट और कितने हेल्थी बने हैं। आप लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन लाइक, कमेंट और शेयर नहीं करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।